सूरजपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या वाकई में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इतना बुरा है। दरअसल सेमरखार गांव में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एम्बुलेंस भी यहां पर नहीं पहुंच पाती। करीबन 3 किलोमीटर तक गर्भवती महिला को चारपाई पर लेटाकर कंधों पर उठाकर ले जाया जाता है और परिजनों का ये कहना है कि गाँव में सड़कों का हाल बेहाल है, फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तो गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, इतना बुरा हाल स्वास्थ्य सेवाओं का हो चुका है। और जब कोई बीमार हो जाता है या कोई गर्भवती महिला को ले जाना होता है तो उस दौरान चारपाई पर रखकर कई किलोमीटर पैदल चलकर ले जाना पड़ता है। नहीं, ये मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, मैं इसका प्रॉपर डिटेल में जानकारी BMO वर्गी से लेता हूँ, उसके बाद ही इस पर ज़्यादा बताना उचित होगा। और निश्चित रूप से ये ओड़गी जो ब्लॉक है उसके कुछ गांव दूरस्थ अंचल में बसा हुआ है जहां पे रोड पर्याप्त ठीक तरह से नहीं बना है और हम लोगों के माध्यम से वहां पे 108 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बसंती पंडो के जैसे प्रसव पीड़ा चालू हुआ और 108 एम्बुलेंस को लगाया गया, एम्बुलेंस वाले मना कर दिए क्योंकि वहाँ रोड नहीं है जाने आने का। आए दिन पंडो बस्ती है सेमरखाड़, ग्राम पंचायत भंवरखो के अंतर्गत आता है, आए दिन वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ना रास्ता है ना किसी प्रकार का सुविधा उपलब्ध हो पाता है उन लोगों को। गाड़ी को फोन लगाया, गाड़ी नहीं आया, वो बोला कि जाने का साधन मेरे को नहीं है, वहाँ नहीं जा पा, रास्ता खराब है। तो हमारे जो पंडू बस्ती था है उसका बाद हमारा डिलीवरी तो था, तो हम लोग खाट में डो के ले लेने बाद में खाटे से बच्चा पैदा हो गया, शाम का मामला है।